सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे बेला भाई के बारे में। तो बेला भाई अपने एक स्टोरी पे लिखे थे, स्ट्रेट अप माय लाइफ इज नॉट सिंपल एंड इजी, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, I know I have anger issues and many other issues too. But one thing is clear, I'm not going to back down without getting everything. My personal life, friendship, family and love life is completely destroyed by my own mistakes. And I understand that very clearly. So it's finally time to get back to work. Let me show you how to be a billionaire after losing everything. This industry understands me 69% but knows me only 0.9%. तो आप लोगों का इस मैटर पर क्या कहना है कमेंट में जरूर कहना। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे एक्जी के बारे में। तो आप लोग तो जानते हो अभी क्या सीन चल रहा है कर्मा भाई के साथ एक्जी का। कर्मा भाई अपने रिसेंट फ्री स्टाइल के अंदर एक्जी को डिस किया है। तो एक्जी रिएक्ट करते हुए स्टोरी पे लिखे थे, फनी हाउ डिस के नाम पे भी बस बॉडी शेम करना एंड कैप करना ही आता है इसे। योर मॉम बी सो प्राउड, शी रेज्ड अ चिवलरस एंड ऑनेस्ट बॉय। और उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर एसएमएस करते हुए लिखे थे, इफ एवरीवन हु डिसरिस्पेक्ट ओमेन फॉर नो रीजन। बाकी आप लोगों का इस मैटर पर क्या कहना है कमेंट में जरूर कहना। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे यंग अलीफ भाई के बारे में। तो आप लोग जानते हो अभी ये सुनने को मिल रहा था कि यंग अलीफ भाई बंटा रिकॉर्ड्स छोड़ दिया है। तो उसके बाद से कोई भी रिएक्ट नहीं आए थे यंग अलीफ भाई के तरफ से और बंटा रिकॉर्ड्स के तरफ से। लेकिन आज यंग अलीफ भाई के तरफ से एक स्टोरी आया था जो की बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दिया है। और आप लोग देख सकते हो स्टोरी पे उन्होंने एक हार्ट ब्रेक की इमोजी डाले थे। तो ये सच में हो सकता है कि शायद से उन्होंने बंटा रिकॉर्ड्स छोड़ दिया है और कुछ मैटर हुआ है जिसके लिए यंग अलीफ भाई थोड़ा सैड है। बाकी देखते हैं क्या हम लोगों को ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।